आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बाटा के Q1 के रिजल्ट के बारे में। बाटा के आ गए हैं Q1 के रिजल्ट। डिस्क्लेमर चेक कर लीजिए, डिस्क्लेमर चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ लिया है, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम एफर्ट्स कर रहे हैं रिजल्ट को डीकोड करने में। तो आप एक फ्री का एफर्ट है, नीचे आपको एक लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। बाटा के आ गए हैं Q1 के रिजल्ट। बात करें सारे फिगर्स रुपीज एंड मिलियंस में होने वाले हैं। इनकम की बात करें 2700 की है, लास्ट क्वार्टर 6000 का था, लास्ट ईयर 1800 का था। इम्पैक्ट क्लियरली दिख रहा है, एक्सपेंस भी इनलाइन रहता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस वाले पीरियड की बात करें 694 मिलियन का लॉस हुआ है, लास्ट क्वार्टर 294 मिलियन का प्रॉफिट था, लास्ट ईयर 1000 मिलियन का लॉस था। लॉस वाई एंड वाई तो कम हुआ, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वापस लॉस में आया है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिजल्ट बिल्कुल भी मेरे अनुमान के हिसाब से, जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से नहीं आते हुए देखने को मिले हैं। रिजल्ट काफ़ी पुअर साइड पर आपको बांटा के आते हुए देखने को मिले हैं। तो किसी के पास है शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा खासा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन जब तक एकदम फुल फ्लेज तरीके से एक बार ओपन अप नहीं होता, जब तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। लेकिन आप Q2 के रिजल्ट में एक्सपेक्ट करो थोड़े अच्छे आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो अब आगे मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहती है।